किसी भी अपराध हो जाता है तो फिर खुलासा सबका यही अल्लाह तारा ने मुझे मीन कभी जिक्र फरमाया है और मुझे जमीन कभी जिक्र फरमाया है। मुझे जमीन की जगह पर कभी कुछ अकीला चाहिए शादी ही कर लीजिए, मुजरिमीन की जगह पर कभी आशीन कर लीजिए काफिलीन कर लीजिए मुश्रकिन कर लीजिए सब उसके अंदर आ जाएगा। इस वजह से मुझे अल्लाह ने बयान फरमाया है ताकि जो जिस बात पर रहे वो जमीन पर रहे, वो शिर्क इख्तियार करें वो भी दलील पर है चाहे वो दलील गलत हो। मुनामी भी अपने इनाम पर अपने चाहत पर है उसके लिए कोई दलील मौजूद है कोई जमा नहीं। इन बिना पर अल्लाह तआला से हमको आपको दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह तआला मुनामी के तरीके पर चलाए मुझे जमीन के तरीके पर चलाए। इसलिए दुआ की जाती है सराते मुस्तकीम के हिदायत की सराते मुस्तकीम मगर फिर इसकी उन्होंने चौधरी पर भजना है सरात नदीना आना हम कर रहे हैं उन लोगों का रास्ता जी पापे इनाम किया मुनमीन आ गया मुनमीन का रास्ता यही काबिल इताअत है काबिल इर्तदा है। मुजरिमी के तरीके को कोई जो भी अख्तियार करेगा वो भी क्या होगा मुलजिम बना दिया जाएगा मुजरिम बना दिया जाएगा और कभी मंजिल मकबूल तरीके हो जाएगा। तो अल्लाह तआला ने मुजरिमीन के तरीके पर बताया अमून अमीन के तरीके पर बताया है। हर मोमिन को मालूम रखना चाहिए कि कौन सा तरीका अमून अमीन का है खुद का समझ आया पर वर्मा से खुद आप बिल्कुल उससे गाफिल नहीं है और इसी गफलत का नतीजा है कि हमारे लड़के दूसरी चीजों को इख्तियार कर रहे हैं और दूसरे बदबीनों के हाथ में जा रहे हैं। बताइए इनाम वाले को क्या रास्ता है जुर्म वालों का क्या रास्ता है ये मालूम रहेगा तब तो अपने औलाद को बताइएगा। आपको अपने औलाद को तो बदलाने का मौका ही नहीं है खुद अगर ये बजाने में बैठ जाए तो कुछ मालूम भी हो जाए ये हमारी औलाद कहाँ जा रही है किसका तरीका क्या कर रही है यहूद का तरीका जिंदा हम फरा मानते हैं गैर मजबूत का नहीं बुलाती और मजबूत रही का तरीका क्या कर रहे हैं हम तो रास्ते में जाना है कि मजबूत रही के रास्ते में चल ही पड़े। हमको आपको होशियार रहने की जरूरत है दीन क़यामत के लिए कुरान क़यामत के लिए जब अल्लाह ने बार बार मुझे अमीन के रास्ते में बताया और मुझे अमीन के रास्ते बताया तो हमको फर्क करना होगा कौन सा रास्ता मुझे अमीन का है इनाम पाने वालों का और कौन सा रास्ता मुझे अमीन का है। मुझे अमीन के रास्ते बचा करके आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते कामयाबी जो मुझे अमीन के रास्ते पर जा कर ले आराम जारी उन लोगों का रास्ता जो आपने इनाम लिया है अल्लाह तआला अंबिया के रास्ते को ऐसा है जो काबिल इफ्तिता है शोहदा का रास्ता सिद्दीकीन का रास्ता शालिहीन का रास्ता ये काबिल इफ्तिता है। हमको आपको कोशिश करना चाहिए कि कुरान में क्या बयान किया गया है कुछ तो तलबे ही है कुछ करो और हमारे शोहर में बैठे के मालूम करो। अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला मुनावी के रास्ते को बातें कर देगा आपके सामने मुद्दीन के रास्ते को बातें कर देगा। इस ग्राम में जो तो जब कुरान ने बार बार इसको बयान किया है तो हमारे शुमा को भी इसको बार बार बयान करना चाहिए। आपको मालूम है कि इब्राहिम ने आजम बादशाह थे या बहुत बड़े बादशाह थे दोनों उन्होंने अपनी सल्तनत को छोड़ दिया और जंगल बना दिया लोग घबराए लोगों ने कहा कि भाई बादशाह वक्त इसे क्यों अपनी हुकूमत को छोड़ दिया सल्तनत को छोड़ दिया ढूंढे ढूंढे उनके पास पहुंचे क्या हजरत आप बयान है हम लोग परेशान हैं मुल्क इस पर छोड़ के आ पाए क्या मुझ पर एक हकीकत आई सामने आई जिसकी बिना पर छोड़ दिया
क्योंकि आए थे हमारी वो विजन करते हो भाई गुरु सही इंसान में एक भरी पे जन्नत में जाएगा और एक भरी जहन्नम में जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं जन्नतियों में से हूं या दुर्गतियों में से हूं। जन्नतियों में से होने के लिए मैंने हुकूमत छोड़ दिया यहां आ गया हूं। इसका तो फैसला कर दो कि मैं जन्नतियों में से सत्ता हुकूमत हल्ला जी कौन करेगा बस हमको हमारे आदत हो ये था मेरे दोस्तों बुजुर्गो जन्नतियों में से बनने का शौक इसकी भी जरूरत है। ये नहीं कि सब अपने कारोबार छोड़े थे उसके लिए सब दर्जा उनको वो दर्जा हमारे लिए तो यही है कि हम तलाश करें और जहां तो उसको उस पर चले न कोई छोटे जरूरत है कारोबार न घर द्वार दीन हमारा जो है रहमानी को ही सिखाता हमारा दीन तो अहल एहसान के साथ कारोबार के साथ दीन पर हम अमल कर सकते हैं जैसा हमारे करके भी दिखा दिया है बेहतरीन नेमत नेमत इंकार नेमत तसव्वुर बिना साफी रुहमानी रखते हैं नेमत इंकार नेमत तसव्वुर बिना ये बेहतरीन घर है जो यहां से दूसरा करते नहीं है हमारे में छोड़ने की जरूरत नहीं है बस उसके इमारत की जरूरत है इसे ही आशा इतना कर लो। छावी ने बहुत लिखा है कि दुनिया की मोहब्बत जायज है लेकिन अहबियत जायज नहीं है। आखिरत से ज्यादा दुनिया से मोहब्बत नहीं रखते नब से मोहब्बत दुनिया से रख सकते हो क्योंकि दुनिया की कोई तवज्जो की तारीफ हमारे अंदर ताकि बहुत ही बदलाव कर दी बार अब्दुल जमात है अल्लाह ने बार बार उसको बयान किया है। एक मुनामीन की जमात है एक मुजरिमी की जमात है दोनों के आवाज भी अलग हैं और दोनों की जजाएं भी अलग हैं जजा भी अलग अल्लाह ने बयान किया है। तो ये आखिरी सूरत जो है मुख्तसर बयान करना है आखिरी सूरत मुसलात है और ये आगे रुकू है उसी का सिर्फ तर्जमा में करता हूं ताकि कुछ क्षति का सामने आ जाए अल्लाह मुझे भी जी तो चाहे इन दिन मुस्तकीर फिर हुए लेकिन उनका आय बता रहा है मुस्तकियों का आय क्या है जो डरने वाले हैं वो छाव में है शायद है और नदियों में मेरे मतलब की चशकों में जो मुझे नहीं मगर जो मुस्तकियों पर है अपना मुस्तकी बनने के लिए हम लोग यहां आए हैं कुछ बारे कुछ यहां कुछ मुस्तकी बन के आया है तो उसकी जगह भी सुन लो मुस्तकी बने को दीजिए मिलेगा तुमको जगहों को भी याद रखो शेख अब्दुल हक मोहद्दीन देहलवी ने सबसे बड़े जो वजीर आजम था शेख फरीद उनको लिखा कि इखलास से अमल का ख्याल रखी है अब्दुल हक मोहद्दीन देहलवी हम उनकी हिम्मत है मामूली मेम्बर में लिखी नहीं सकते वो दिल दिल क्या लिख जाएंगे देख के डर जाए समझे कि यही ठीक है जब बिल्कुल ठीक नहीं दोस्तों बुजुर्गो लिखते हैं शेख अब्दुल हक मोहद्दीन देहलवी वजीर आजम लिख रहे हैं शाहजहां का वजीर आजम इखलास से अमल का ख्याल रखो इखलास की तारीफ दे रहे हैं वजीर आजम को इखलास का नाम ही नहीं सुने होगा वजीर आजम जो है नाम ही नहीं सुने होगा कुछ नहीं कर ये जानना सफेदी गलती है कुछ ये सफेदी है ये भी हमारी मिलत है उम्मत में से उम्मत दावत तमाम जितने खैर मुस्लिम है सब उम्मत है जो उम्मत दावत है और जिन्होंने उम्मत दिया वो उम्मत इजावत है उम्मत जो उम्मत होने में कोई खौफ नहीं है चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वो भी मुकदमा भेजिए जो पढ़ रहा हूं उसको वो भी मुकदमा हो अलग नहीं है सवाल होगा अल्लाह से कभी भेजा किताबें भूलिए कि तुमने मुंह मोड़ा रुक भी नहीं चल की तरफ अल्लाह का ये दीन है हमारा दीन जो है दोस्तों सारे आदम के लिए है काफ नबी जैसे तमाम उम्मत के लिए तमाम लोगों के लिए नबी है इसलिए किताब में तमाम लोगों के लिए किताब है दस्तूर अमल हम न करें दूसरी बात मुकल्लफ है लेकिन ये नहीं है कि जबरदस्ती की जाए बात
इंद्र चाहिए भी बिना जो डर वाले हैं वो सायों में होंगे और चश्मों के नीचे होंगे सस्ते राज्य अज उनको अज ये मिलेगा वो पवा के हमें पाइस्ट हूं और मेरे जिस किसी भी जीता है न हर व्यवहार जल्दी मिलेगा नहीं जो जीता है मैं वहां जाएगा जो मेवा अमरूद खजूर आप टीवी एक होती है जीता थोड़े मिले हमारे दूसरे मुल्क में जब मना में हमारे क्या होता है वहां चाह रहे ही मिल रहे आप ये चाह रहे कि मुंह में आया रहे ये हम बोल रहे भगवान के यहां निम्मा जैसा हूं और मेरे जिस किसी में जीता है कभी उनका बात है अल्लाह नहीं कर सकता है उधर नहीं कर सकता है चश्मे होंगे मालूम हुआ कि सायादार मकान मिलना ये भी एक नेमत है अल्लाह ने फरमाया कि सायादार मकान भी मिलेगा तुमको और ये भी चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द संकट रहे चाहता है ना पानी छिड़का जाता है ताकि ठंडक रहे कहा छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलते तो आप चश्मे जारी करेंगे मस्त हो गए चश्मे जारी कराते हैं बड़े लोग जिनसे पानी लाते हैं जाइए गंगा वगैरह में फुवारे चले जाते हैं चलो वो देखा जाए वो देखा जाए वहां देखने में मौका भी नहीं मिलता बोलते फवा के हैं जहां चश्मे होंगे वह फवा के हैं हमारे सब हो जो 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 चाहोगे वो फल मिलेंगे और हर वक्त मिलेंगे ये नहीं कि कभी मिलेंगे मौसम में कभी नहीं मिलेंगे भगवान के हर वक्त मिलेंगे और मैंने कई बार का बयान किया है कि उसके मिलने की सूरत यह होगी कि टहनी पर फल लगा हुआ होगा कई बार का बयान किया है ये हमारे बुजुर्गों को मकसूफ हुआ है मैं बयान कर रहा हूं जी में आएगा ये फल हम खा लें जी में आया नहीं तो फूल तुम्हारे मुंह में आया नहीं वो फल तुम्हारे मुंह में आ जाएगा जी में आया मैंने फ्रांस बीमारी का काम था फ्रांस में इसको बयान किया मैंने कि टावर बना लिए हो लेकिन टावर गिरेगा कितनी ऊंचाई पर हो उसकी ऊंचाई खत्म होगी नीचे आना है इस टावर लेकिन अल्लाह के यहां की जो चीज है उसके अंदर तमाम है 33 साल बाद भी रहेगा और मत कुछ नहीं बनाई जी ने घटेगी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वहां तमाम है सिर्फ जो चीज है तमाम आए फल का जी चाह आपका फल हम खाए फल आपके मुंह में आ जाएगा खा रहे हैं लेकिन जो फल खा जाए कोई चेहरी पर मौजूद रहेगा जो चाह वो फल मुंह में आया और खा भी लिया आपने लेकिन वो फल वहां मौजूद रहेगा क्यों वैसे कोई दबाव है उसके अंदर छोड़ा नहीं है अगर एक लम्हा के लिए वो फल चेहरी से अलग हो जाए ना मकतूत वाला ममूमा के खराब हो जाएगा कल भाई यही आए ना मकतूत वो फल खतर नहीं होगा और मना नहीं होगा अगर वो एक सेकंड के लिए वो फल चेहरी से अलग हो जाता है तो दवा के खिलाफ है ये हो नहीं सकता जगत में ना मकतूत वाला जो ये भवा गया मिम्मा यश हूं मेरे जिस जितना चीजा है जो चाहूंगा ये है मैं बता रहा हूं आज मैं मुदीन को पूर्वी बयान के अल्लाह ताला ने और मुदीन के अजर को भी बयान फरमाया है इसे कुछ शेख अब्दुल हक मौलवी ने भी कहते हैं वजीर आजम को कि जब भी तुम्हारी हुकूमत बड़ी हो लेकिन इसके अहमाद है जो अजर हो उसको पेश नजर रखो हुकूमत खत्म हुई कि नहीं जिसके वो वजीर आजम से हुकूमत आए खत्म लेकिन वहां की जो हुकूमत है वह दायर से कोई खत्म नहीं कर सकता उसको उजूर का अजर को पेश नजर रखो अजर यही है कि अगर तुम तकवा इंद्र को तकीन है मुत्तकियों की बात है जो रमजान में जिस तकवे का हासिल करके आए हैं उसका अजर ये है जो अल्लाह ताला का फरमान है इंद्र मुत्तकी ने फिर हुए राजी हुए हो मुत्तकी जो अल्लाह से डरने वाले हैं जो लिबास से तकवा से आराजता है भूखे रह करके प्यासे रह करके गर्मी बर्दा करके जिन्होंने तकवा अख्तियार किया है तो हम उनके अज्र को जाहिर नहीं करेंगे हम उनके अज्र को देंगे हमारे लिए भूखे रहे हमारे लिए प्यासे रहे गर्मी बर्दाश्त किया धूप बर्दाश्त किया सफर किया तो हम ऐसे जाहिर नहीं है कि अपने मजदूरों को हम मजदूरी में देर करें नबी ने भी ये कहा है कि मजदूर की पसीने की
banyak mazmur itu Nabi jo kuch kar raha hai khuda ke hukm se kar raha hai jab khuda ke liye hukm hai khuda uske andar khada karega apne apne kehne ke bina roz mazmur ishwar se kya hai bhumi ka akshay apne mode le le aaj diye ko khayal rakho jazao ko khayal rakho amal mein jab jazao ko khayal rakhe to amal mein kya hoga ek khas kisi pe inshaallah pada hoga ये हम पढ़ेंगे तो ये मिलेगा ये पढ़ेंगे तो ये मिलेगा ये करेंगे तो ये करेंगे माँ थारी अजी वही मैदान पर सकते थे कोई नहीं करता अगर थारी ने कहा कि मेरा दिल या मेरा जी जब अमल से उतारे रहता है इतने पढ़ने से तब मैं कहता हूं कि देखो हलवा रखा हुआ है अगर ये कर लोगे तो हलवा खिलाऊंगा और मेरा अंदर तैयार हो जाता है कि कोई कर सकता था माँ थारी नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता किसी कंपनी में नहीं निकलेगा कोई आदमी नहीं जाएगा कोई फिर नहीं जाएगा सब जाने के लिए कहते हैं हजरत थानी रब्दुल्ला ने जो हड्डी सुंदर पढ़ रहे थे इतने में आवाज आई कि बाजी कोठे से गिर गई थी पियाली साधक के बारे में बदमोहर पढ़ के तुरंत रवाना हो गए बर्बादे थे तमाम मुरीदी मौजूद थे लेकिन देखा कि मेरे बीवी को उठाने वाला कौन होगा इस नमाज का बच्चा ना था ऊपर को उठा नहीं हमारी नमाज की लेकिन हमारी बीवी को हमारी खिदमत की एहतियात है थोड़े या सुंदर को चले गए बर्बादे थे कोई दूसरा फिर रहता कभी नहीं तोड़ता हुआ कोई दूसरा फिर रहता सुंदर की कुनियत लेकिन हजरत के सामने हटाए थे समझ रहे थे अल्लाह को मेरी इबादत की जरूरत नहीं है लेकिन बीवी दिन हुई है जैसे उसको मेरी खिदमत की जरूरत है छोड़ दिया इसको आगे बढ़ गए हजरत जाफर सादिक ने फरमाया इमाम वनीफा से इमाम वनीफा किस बात जिसे कहते बताओ जाफर सादिक ने जान लिया किसका इमाम वनीफा का उन्होंने कहा कि अच्छी बुरी चीज की तभी यही भाव है अच्छी बुरी चीज की मुफीद और मुफीद और मुझे चीज की तभी ये क्या है यही भाव ताकि तो कुत्ते जानवर भी जानते हैं कुत्ता कभी घास नहीं खाता मुझे समझता है और गाय कभी हड्डी नहीं खाती मुझे समझती है कुत्ते और जानवर भी मुझे और मुफीद को समझते हैं एक और चीज नहीं बात का है मामो निका होता है उन्होंने कहा कि फॉर्म यह है कि औला और गैर औला में तमीज करे इस वक्त हमको कौन सा नाम काम करना चाहिए वह थानी ने वो काम किया जो औला का चले गए अगर कुएं की तरफ जा रहा है कोई आदमी आप इशरा की नमाज पढ़ रहे हैं जाए नहीं कि इशरा की नमाज पढ़े पर उस मुर्दे को उस शख्स को बचाइए छोड़ दीजिए इस वजह से औला और बाद औला चांस पढ़ना इशाक पढ़ना यह औला है कि अगर कोई जरूरत ऐसी पेश आ गई तो उससे औला है कुछ और कुछ इशाक चार पकड़ो ये हमारे बुजुर्गों के तहदीकात है बस औला और औला की तमीज करना ये क्या है आपने शादी नहीं बताया जो अल्लाह ताला ने अजर सवाब दिया है के दिया है चश्मे दिया है मकाना दिए हैं कैसे मकाना है इनका तस्वर भी नहीं कर सकता इस बात से जन्नत का बयान आज का बयान भी करते रहना चाहिए हमारे इस्लाम मुस्लिम का जलसा होता है उसमें हजरत बाप अली साहब ने बयान करने के लिए हजरत ने पूछा बादशाह अब्दुल्ला साहब ने कि आप जा रहे हैं कौन से मजबूत जा कर रहे हैं अली ने पूछा क्या हजरत खामोश ना नहीं जन्नत बारे जानकारी की हजरत मेरे पास मवाद ही नहीं जाती है कहां जब मैं मवाद देता हूं फिर हमारी जरूरत यही जाती है उस वक्त इस वक्त फरमाते थे इस जमाने में कौम को जो दीन बनाया जा सकता है वो जन्नत और दौलत का बयान है जब सहाबा को जन्नत और दौलत का बयान जरूरत हुई जरा से आवाज को भी आता है कि सबसे पहले जन्नत और दौलत की आयात जारी हुई ताकि जन्नत के आवाज को या जलाओं को जोड़ करके कमर भस्ता हो जाए और अमल करना उसके लिए आसान हो जाए और दुर्गत की आयतों से और
की वजह से हमारे कार्य भूल या हमारे को छोड़ देगा और दो राशि बन जाएगा बारह ये बोले वो भगवान ने मारे उन ये भी कहा जाएगा खाओ पियो रस से बदला उसका जो करते थे वो मजे से खाओ हनियन जन्मा मजे मजे खाओ लुत्फ ले खाओ जरूर नहीं कोई बदलने भी नहीं होगी जानकी भी अंजाना होगा मजे से खाओ कोई जरूर का आदेशन इस खाने में नहीं है फरमाते हनियन जन्मा कुंती पुनः वश लगाता फरमा रहा है पुनः वश लगू हनियन जन्मा कुंती ताबुनु खाओ और पियो रस से बदला उसका जो करते थे वो मजे मजे ये नहीं खाओ इतना कदार करना जी पहुंच लिए हम यू ही देते हैं बदला ये क्यों आ रहा ये अल्लाह हमारा खुदा के नाम कोई ध्यान कर सकता है इससे फरमाते हैं हम यू ही देते हैं बदला ये हमारे को अच्छा मकान भी देते हैं चश्मे भी देते हैं खाने पीने भी देते हैं कोई आदमी ऐसी नहीं जिसको हम पूरे न कर सकते तुमने हमारी चाहे को पूरी किया है तो हम तुम्हारी चाह को पूरी करें वलक उम फीहा मा तरजऊन हम बुजुर्गों वलक उम फीहा मा तरजऊन नुजुल मिन गफूर रहीम मैं तो इसी को करूं इन्ना कदालिक क्या होगा इन्ना कदालिक नजदीन मोहसिनी हम इसी तरह जमा देते हैं मोहसिनी को ने को कहा हूं वही भी जो है लेकिन वही भी उन लोगों के जो इसकी तरजीह करते हैं काम लोग मुसीबों के लिए भय हताकत है कि ऐसी सही बातों का इनकार कर रहे हैं तो ये हताकत है आप देखिए उनकी तरफ लौटे मुझे खा दो और परत लो थोड़े दिन हो खा दो और परत लो थोड़े दिन तुम मुजरिम हो तसव्वुर करो तुम मुजरिम हो दुनिया में खा पी लो जितना खा पी सको तुमको इसका पता चखना जो गुनाह कर रहे हो मैं यो मैं जी मुकदमी खराब ये मुन जी ढूंढने वाले वाले को कुलू वतमा करो लिखा है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब ईसाई को पढ़ते थे तो रोते थे कुलू वतमा तो इन करो हजरत निजामुद्दीन औलिया जब ईसाई को पढ़ते थे दानों का दान रोते थे फरमाते थे इमरो खुशर फरता खुशर इसकी इबारत भाजी है आज के दिन खाना पीना अच्छा है कल दिन अच्छा नहीं है कल के दारों खराब होते थे जब हम लोग नमाज में आए तो हमारे इमाम से बहुत सुंदर पढ़ते थे इस रुकू को बहुत पढ़ते थे तो हम लोग से कहा है तब नहीं कि इमाम पढ़ता नहीं समझता भी नहीं पढ़ता तो है नहीं समझता भी उस वजह से अहमियत रही हम रुकू की इस सूरह की अहमियत आगे व्यवहार के अभी आपकी ये इसे बड़े उन्होंने मुझे मैंने याद कर सकता है इसके उन्होंने को फरमाते हैं कोई भी जो मुझे न को मुझे क्या करूं वो तो मत तो अरे न खाओ पियो थोड़ा तुम गुनहगार मुजरिम हो मुजरिम खुद के नहीं खाता हर बार डर रहता है उसके जुर्म से कोई भी जो मैं दिन मुकदे दिए खराब ये उन दिन भूलना हमारे लिए जगह वही लाखी रहो प्रभु का यार तो ये मुजरिम ऐसे हैं नालायक स्कूल से जब कहा जाता है कि रुकू करो नमाज पढ़ो झुको सब ताकिद उसके अंदर रुकू में रुकू है नमाज भी है झुको भी है ताकि सब इतना और जब ये कहा जाता है कि झुको और रुकू करो एतात करो फर्मदारी करो तो नहीं कहते वही जो मैं दिल कर दी ऐसे वही लाखी रंगू करो ना है कहूं जब उसे कहा जाता है तो रुकू नहीं करते इतार नहीं करते वर्मबाजारी नहीं करते अल्लाह के कलाम को छा देते हैं तो क्या होगा वैद है मुकदमी के लिए इसका नतीजा भुगतना होगा मेरा कलाम है मेरा हुक्म है नहीं मानोगे तो इसका नतीजा भुगतना होगा तो अभी अन्य हदीस बात हुई अब किस हदीस पर अब अमल करोगे ईमान लाओगे ऐसी सही बातों में जब ईमान नहीं जाते तो अब किस बात पर ईमान लाए खुदा का कलाम है खुदा की आयात है खुदा प्यार कर रहा है नबी सुना रहा है फिर जब किस बात पर ईमान लाओगे ये हमारे हजरत का सबूत अच्छा है कभी यही हदीसी पादरियों में कुरान सुनाते रहते थे और आखिर भी ये पढ़ते थे अब बताओ किस पर ईमान लाओगे मैं कुरान सुना रहा हूं हदीस सुना
नहीं मानते अब बताते नहीं मान जाओगे ये उनका सर्वधर्मी आचार हो तो आइए अभी मानी हूँ महाराज इस रूपों की छोटी तफसीर देर हो रही है थोड़ी ये तफसीर हो गई है कि अमाल को भी बयान किया गया है और उसके अज्र को भी अज्र भी कैसा ऐसा आज जो तस्वुर भी नहीं आ सकता मकान आदि सायेदार मकान होंगे चश्मे होंगे फल होंगे तरह तरह के फल होंगे जो चाहोगे फल मिलेगा ये सब मंजूर है इसके अलावा कुछ नहीं है ना उन्दुर सद्या ना कहते हैं ना आयन उड़ाल बना उजूर समय बना खतरा आना खाद्य बशर ऐसी जन्नत में नेमतें होंगी कि जो तुम्हारे आंखों ने देखा भी नहीं होगा तुम्हारे कानों ने सुना भी नहीं होगा खाद्य बशर पर खतरा भी नहीं गुजरा होगा ऐसी ऐसी नेमतें होंगी हमारे सूफी लोग कहते हैं दुनिया कहते हैं ये तो महावर जो पड़ा था तुम्हारे आंखों ने देखा नहीं होगा ऐसी खूबसूरत औरतें होंगी तुम्हारे आंखों ने देखा नहीं होगा दुनिया में ये दूसरी तफसीर है सूफिया वाली है वो ये कहते हैं हमें तो माहौल वाली तुम्हारे आंखों ने देखा नहीं होगा कानों ने ये देखा है और एक ये कि ऐसी खूबसूरत होंगी औरतें कि तुम्हारे आंखों ने देखा नहीं होगा और ऐसे ऐसे गाने होंगे कि तुम्हारे कानों ने सुना नहीं होगा आज गाने में तुम मस्त होते यहाँ के गाने पर ऐसे ऐसे गाने सुनीले गाने होंगे कि तुम मस्त हो जाएंगे वाला खतरा खंड बचर और ऐसी नियमतें होगी कि खंड बचर का खतरा नहीं होगा उसकी तफसीर कहते हैं ऐसे ऐसे उलूम मारूफ होंगे जैसे उलमा झूम जाते हैं उलूम से वह उलूम वहां दिए जाएंगे वाला खतरा खंड बचर का मतलब ये उलमा के जो मदद उलूम में आता है हजर जमा जी के कब्जे से बाद आ जाता है कि चीज देते थे कोई ये भी मिलता था काट के लिए तो जब जंगल में अल्लाह ताला खूबसूरत चीजें देखा खूबसूरत चीजें देखा खुश आवाज चीजें ये सब उसके साथ ये भी होलों को मारी सूचना बना देंगे ये सब ये चीजें उसके सामने नहीं छू जाएंगे क्योंकि आदि से पूछे क्या मजा आ रहा है कहीं है क्या इंसान से ज्यादा मजा आ रहा है नहीं सोच रही है जितने इफ्तार में मजा आया है उससे ज्यादा इसमें मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है इसी तरीके से वहां उलूम हमारे पैसे होंगे कि दुनिया के सब नियमतें भूल जाओगे मतलब जन्नत की नियमतें भी भूल जाओगे ऐसे बोलो अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे आमाल की तौफीक दे सबके लिए है मेरे साहब कितना जो सब लोग समझ सकते हैं कि दुनिया की नियमतों से पर जो वहां की नियमत है उसके लिए ये तिलावत है उसके लिए जिक्र है उसके लिए आना जाना है उसके लिए अखलाक है उसके लिए आमाल है सब उसी लिए अल्लाह ताला हम सब लोग के आमाल को कबूल फरमाए और वहां की नियमतों से सब भरा फरमाए मुसीबतें हैं सब कुछ उलझने हैं इसी में अगर हम अल्लाह के अखलाक और फरमाबरदारी करेंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी हमको बिना न कमाने अल्लाह जरूर देगा अब वहां तो ही है कहते हैं ना खौफ होना नहीं होगा न वहां खौफ होगा न नमकीन होगा अल्लाह हम सबको ऐसे आमान की तौफीक दे कि अल्लाह राजी हो जाए यहां की नियमतों से नमाज दे आफियत से और वहां की नियमतों से नमाज दे और वहां अल्लाह ने कहा अल्लाह भी अजीज अल्लाह भी कोई मुश्किल नहीं है जो आप की जा रहा अल्लाह हमेशा जरा से अल्लाह हमेशा जरा से अपने फर्ज बना से हर नियमत से मुसा प्राप्त होना है हमारे साधन की तौफीक बराबर होना है तिरंगान शरीफ के कदर करने की तौफीक बराबर होना है शब कदर का आज एक एहतमाल है उसको वो दुआ जरूर पढ़ लेता हूं मैंने कहा हूं तो हर गुलाफा माफ मानी एल्ला माफ करने वाले हैं माफी को पसंद करते हैं हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिए बल्कि सारी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाकर खास इनाम जो है एहराज का हम सबको नवा देंगे अल्लाह शरीफ के रोजों के रखने की तिलावत करने की अल्लाह ताला हर वो चीज जो देखी की हो सकती है उन सब की हमको तौफीक बराबर फरमाइए और हमको अपनी रजा से अपनी खुशखुदी से हम सब लोगों में सबक बताइए आप तशरीफ लाए खुलूस की बात है अल्लाह ताला इसका जरूर आपको अजर सवाब देगा इंशाअल्लाह इसकी उम्मीद रखकर कि आना जाना हो उठना बैठना हो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ न फरमाएगा रब्बा हाज़ा क़ब्ला मिन्ना
Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.